आप सबका तो आ गया था हमारे एक न्यू व्लॉग में। और देखो बहुत बारिश हो रही है, ये देखो गाइस बहुत बारिश हो रही है बाहर। हाँ ये है राजेश भैया और यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ बहुत बारिश हो रही है देखो। और अंदर बैठा है मिनी पेड़ा, मिनी पेड़ा जो उसका रूबी क्यूब, उसका जो रूबी क्यूब टूटा था उसके ब्लॉक से खेल रहे हैं, अच्छी बात है। और यह है टेडी जो बार बार उसको कुछ ना कुछ अलग अलग चाहिए, अभी वो बॉल फेंक दिया। गाइस मैं ये रूबी क्यूब को उड़ा डालूंगा। शांत रह तो टेडी, खा जाएगा खा जाएगा, पकड़ खा लेगा। और अभी बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है, ये देखिए बाहर अगर आपको दिख रहा होगा तो बहुत ज्यादा ही तेज बारिश हो रही है। तो यहाँ पे पपी सो रहा है गहरी नींद एकदम, उसको कुछ मतलब नहीं है, वहाँ पे उसका पूरी पड़ा है। देखो बारिश हो रही है तो भी सो जाता है, गर्मी पड़ती है तो भी सो जाता है, एकदम फिट है सो सारे मौसम में। डैडी तुम कैसे हो, तुमको बिल्कुल ठंडी नहीं लगती, कुछ कपड़ा वपड़ा नहीं पहनो, नंगू पंगू हो? मेरे को ठंडी नहीं लगती, मेरे पास बहुत बाल है। अच्छा तुम्हारे पास बहुत बाल है, और तुमको गर्मी कैसे नहीं लगती? गर्मी मेरे को इसलिए नहीं लगती क्योंकि मैं जमीन में तो जाता हूँ। अच्छा तू जमीन में सो जाते है इसीलिए। प्यारे पपी प्यारे पपी। गाइस अगर आपको ना सोना आराम से सीखना हो तो टेडी से सीखना चाहिए, टेडी का कभी इंटरव्यू लेंगे कैसे जल्दी से सोते हैं। ठीक है टेडी आ ले लेना, मैं अभी भी तैयार हूँ। टेडी चल अब तू सो जा आराम से, एक नंबर आ रहा है। बारिश हो रही है और मैं बरामदे में खड़ा हूँ, ये देखिए कई व्यू आ रहा है ओपी वाला, बहुत तेज बारिश हो रही है पर कैमरे में हल्का हल्का ही दिख रहा है। देखिए हाथ में जमा है बहुत ही तेज, ये देखिए इतना सारा बारिश आ गया हाथ पे। मिनी अंदर आ जा, इधर आ अंदर आ, बहुत ज्यादा तेज हो रही है ना गाइस बारिश, पर दिख नहीं रहा। 18 डिग्री हो गया टेम्परेचर, नहीं टोपी गीला नहीं हुआ, 18 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया। और आज हमारे घर में कुछ सामान भी आने वाला है, सामान वामान, तो अब देखना क्या क्या सामान आएगा हमारे घर में। और बाय द वे टेडी अभी अंदर है और हम बंद अभी वो नया सामान नहीं है, मतलब पुराना सामान है। और जो टेडी है ना वो अभी सामान आने वाला है ना 15 मिनट के अंदर, तो अभी वो उसको रूम में किए हैं, अंदर वाले में बंद किए हैं अभी उसको, और नानी नाना लोग भी वहीं पे हैं। और अभी हो रही बाय द वे बारिश। और टेडी का आज रात को, टेडी मतलब घर में घूम रहा था, पॉटी कर दिया था, टूटू भी कर दिया था ना मिनी, टेडी पॉटी टूटू करता नहीं है, वो आज कर दिया था पता नहीं कैसे, हम लोग अंदर रखते हैं ना तो कर दिया था। और हमारा वैसे बाय द वे हॉपस्कॉच मीट रहा है, वैसे ये अच्छी बात है क्योंकि हमको बनाना है छोटा हॉपस्कॉच, थोड़ा सा कूदने में बहुत दिक्कत होती है, 1 से 2 में कूदा नहीं जाता अच्छे से एक पैर में। हाँ 1 से 2 में नहीं कूदा, ये आधा आधा हल्का छोटा छोटा बनाएंगे बॉक्स, देख और देखिए वहाँ पे लाइन टच हो गया, मतलब छोटे बच्चे लोग के लिए और इतने बड़े बच्चे लोग के लिए भी मुश्किल रहता खेलना। ओए हट जा गाड़ी आ रही है, साइड हो जा, बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे कूदना। और मैं अभी हाथ से व्लॉगिंग कर रहा हूँ, अभी मैं थोड़ा फ्लिप सीख रहा हूँ कैसे करना है। ये देखिए गाइस फ्लिप, ऐसे 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 फ्लिप है मिनी पेड़ा। और आज तो बिल्कुल भी खेल नहीं पा रहे हम लोग क्योंकि हो रही है बारिश, और ना हम तो सुबह से खेलने निकल जाते हैं। सुबह से तक नहीं निकली, एक बार धूप नहीं निकली है, सूरज नहीं दिखा अभी, एक बार निकली थी थोड़े देर के लिए, मतलब वो भी 15 सेकंड के लिए निकली होगी, मिनट भी नहीं सेकंड, सेकंड वही तो 10 सेकंड या तो। हाँ पता नहीं क्या करेंगे, चलो देखते आगे का सीन क्या होता है। तो अभी बहुत सारा सामान आया है, वो पुराने घर से यहाँ पे तो, और अभी बहुत सारे अंकल लोग आए थे सामान रखने के लिए, तो मैं वो आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि मैं भी हेल्प कर रहा था छत में, कहाँ कहाँ रखना है मेरे को ही पता था ना सामान कहाँ कहाँ रखना है, तो दिखा दो कहाँ, सबसे ऊपर वाले रूम में। हाँ नानी तो गाइस मैं ऊपर जा रहा हूँ, सामान दिखा रहा हूँ आपको क्या क्या आया है। और अभी मैं शक्कर देने गया था नानी को, वो डब कौन से डब्बे में रखा था नानी को नहीं पता था ना, क्योंकि किचन में ड्रॉस है, यहाँ पे है जो रूम खुला है उसमें सामान है, को दिखाता हूँ। देखो गाइस बारिश की वजह से हमको यहाँ पे कपड़ा सुखाना पड़ रहा है, देखो सबका कपड़े यहीं पे,
इतना सारा, और कल रात को गीला हो गया था, हम लोग भागे थे। ये यहाँ पे है सामान पूरा। ये बिस्तर का है, ये बिस्तर का गद्दा है, और भी पता नहीं क्या क्या है बिस्तर का। और ये अभी अलमारी है जिसका पैर टूट चुका है पूरी तरीके से, तो इसमें क्या बोलते हैं वो, गुटका लगाना पड़ेगा। गुटका लगाना पड़ेगा, खाने वाला गुटका नहीं आता है, स्टैंड बोलते हैं पता नहीं क्या, ऐसे टाइप का रहता है गाइस, ऐसे टाइप का, ऐसे ही रहता है ऐसे ही। और जब ये बनेगा ना तो हम आपको दिखाएंगे, जब ये कोई मैकेनिक आके इसको बनाएगा, है ना मिनी। और ये है वो मच्छरदानी लगाने का रॉड, और यहाँ बैठा है हमारा मिनी पेड़ा। खाना है, बिस्किट दे दे गाइस को, एक बिस्किट खा लो गाइस। और यहाँ पे हमारा एक छोटा सा कुंदरी जिसका नाम है टेडी, यहाँ पे है, इस रूम में बंद है अभी। अभी हम लोग यहाँ पे इसको क्यों रखे हैं करके, क्योंकि अभी इतना काम हुआ है और अभी थोड़ा बहुत काम बाकी है, ये रूम को साफ वाफ करना है ना, ये भी हो गया, वो देखो गंदा हो गया वहां पे, रूम को साफ वाफ करना है, ये काम करना है, वो काम करना है, दुनिया भर का काम बाकी है, खाना वाना बनाना है। तो अभी डैडी को रूम में रखे, खुला यहाँ पे नहीं रखे, जो छत का व्यू देखते आज का, भाई कई ठंडी हो रही है, पूरा डैडी का ये खाना भीग गया है देख लो, बड़ी फूल के सड़ी हो गई है। ओ बाप रे, ठंडा कई लग रहा है ये। ओ टैडी का कंबल भी नहीं, टैडी का कंबल यहाँ पे रख दे। अच्छा वही मैं सोचू, टैडी का एक और कंबल दिख नहीं रहा करके, दो कंबल है ना उसका, बहुत भारी हो गया है, बहुत भारी है क्या, तो शूट कर दे मैं उठा लेता हूँ। तो एक हाथ से मैं कैमरा पकड़ा हूँ और एक हाथ से ये, स्ट्रगल लाइफ ऑफ अ व्लॉगर, देखो कितना भारी हो गया, कम से कम ये होगा 5-6 किलो का, बहुत भारी। मिनी गेट लगा दे, हाँ मैं ऊपर हूँ, गेट लगा देना, मिनी उल्टा फैन है टोपी वाला। और आज हम लोग बता देगा इसको कितना बैडमिंटन खेले, आज हम लोग दिन में 10 बार निकले होंगे बाहर बैडमिंटन खेलने, फिर बारिश हुई फिर खेले, फिर बारिश, अभी नहीं, अभी मेरे को मन नहीं आगे, इसीलिए चलो नीचे चलते हैं आराम से, और देखेंगे आगे का सीन क्या होता है। और वैसे भी अभी अगर धूप निकली तो सबसे पहले हम लोग नानी को बताएंगे और खेलने भागेंगे, है ना मिनी। धूप निकली और बारिश ज्यादा तेज नहीं हुई, कीचड़ रहा तो नहीं खेलने जाएंगे, है ना, कीचड़ एकदम सब जगह, जैसे कि एकदम सारा। हाँ हाँ वही बोल रहा हूँ, डबरा टाइप का, चल नीचे उतरते हैं। लोग चाय बिस्किट खा रहे हैं और दीदी इतनी ठंडी में बाल धोई है, वो अभी कितने बजे, 3:30 बजे, और दीदी का सर सुनोगे एकदम ठंडा ठंडा, तेल लगाई थी इसीलिए धोली बाल को। हाँ और मैं क्यों नहीं पीरा चाय, मेरे को गैस हो जाता है इसीलिए, कल हो गया था। तो अभी मिनी मेरे को डबरा दिखाने लाया है, मतलब पानी भर के उसको डबरा बोलते हैं हम लोग, एकदम यूनिक वर्ड और फनी भी वर्ड है। तो देखो कहाँ पे डबरा भर गया है, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो गाइस कई डबरा भरा है, उस तरफ तो और भरा है, मिनी तो साइकिल चला दी है, मजा आ रहा है डबरा साइकिलिंग। कहाँ है, अरे बारिश में बहुत मजा कर रहे हैं हम लोग ना, वहाँ वाला डबरा तो और है भाई साहब, वही पार्क में वो जम गया क्या पानी, चल खेल के आएंगे क्या पार्क में पानी, नहीं नहीं पार्क में पानी में खेलने, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है, गर्मी के मौसम में जाते थे ना हम लोग। एक और चल डबरा साइकिलिंग कर, ये यहाँ से गया मिनी पड़ा आइट आइट, ओपी बोलते साइकिल नहीं फंसती, पूरा जूता खराब हो जाएगा, फिर सूखता नहीं है ठंडी में जूता, सोच ले पता है जूते, फिर ये जो ये यहाँ तक है पूरा पानी, हाँ फिर ठंडी में जूता सूखता नहीं है। चल अब आजा बाहर, सर्दी लग जाएगी, और चल अब चाय पीना, बोला था ना मेरे को दिखा के आएगा फिर चाय पीगा, चल आ रहा हूँ। तू सब पानी में पैर रख ले, पैर भाई बहुत ठंडा है, मेरे को सर्दी हो जाएगी, ठंडा नहीं है, अरे जूता नहीं पहना, उठ जा ट्राई करने दे,
गरम सा ठंडा तो है बोल रहे चल चल गोबरे गोबर चल गाइस तो हमने कर ली डबरा साइकिलिंग और पता है मिनी पेड़ा दीदी ने इतनी ठंडी में बाल धो लिए उसको नहीं पता है मिनी पेड़ा को। हाँ मैं एक बार बाल धो लिया था मतलब नहा ही लिया था बाल नहीं धोया था 3 बज रहा था और बारिश का मौसम था बारिश उस टाइम नहीं हो रही थी धूप निकली थी नहा लिया था 3 बजे और फिर जैसे ही नहा के निकला बारिश हुई सौर दर्द चक्कर आने लगा था अजीब टाइप का लग रहा था एकदम। गाइस अभी हो रही है शाम बज रहे कितने पता नहीं 1 सेकंड 5:54 मतलब 6 बज चुके हैं 6 मिनट ही काम है 6 बजने में और अभी मैं बना रहा हूँ सूप। स्वीट कॉर्न क्या बनाऊंगा तो पता नहीं मैं देखूंगा क्या कौन कौन सा सूप पड़ा है देखते हैं यहाँ पे इस ड्रॉज में होगा तो ना कहीं और होगा तो मेरे को तो पता नहीं कहाँ रखा होगा देखते हैं भाई सूप कहाँ है रुको मैं देख के आपसे मिलता हूँ 1 सेकंड कैमरा बंद करता हूँ देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। फाइनली सूप हॉट एंड सोर वाला और भी है पर ये फ्लेवर देखते मेरे को मतलब देखने में अच्छा लग रहा है तो ट्राई करते हैं ये फ्लेवर तो देखो मैं कैसे बना रहा हूँ और गाइस मैं नहीं दिखा सकता कैसे बना रहा हूँ फायरवर्क्स क्योंकि क्या बोलते हैं कॉपीराइट क्लेम आ जाता है बच्चे फायरवर्क्स से खेल रहे हैं वो वाला सब सीन हो जाता है तो मैं एक काम करता हूँ आपसे बना के ही मिलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसा सूप बना है कैसा नहीं और मिनी पी रहा है कोल्ड ड्रिंक तो मैं उसके लिए नहीं बनाऊंगा क्योंकि रिएक्शन कर जाएगा सूप उसके लिए मतलब अनहेल्दी हो जाता है पता नहीं क्यों डॉक्टर्स बोलते हैं अब वो तो मेरे को इतना अच्छे से पता नहीं पढ़ाई तो किया नहीं अभी उसकी तो मैं आपसे सूप बनाने के बाद ही मिलता हूँ। तो सूप रेडी और मैं अभी पीता हूँ और आपसे मिलता हूँ ये देखो बहुत मस्त हो रहा है बहुत ज्यादा लियो मैं 2 गिलास सूप तो पी जाऊंगा चलो मैं आपसे पी के मिलता हूँ सूप को वाओ। अभी हम आए हैं टहलने यहाँ पे टहल रहे हैं और अभी बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है और पूरे पेड़ पौधे एकदम गीले गीले हो गए हैं मस्त पानी मिल गया सब पेड़ पौधों को पानी और थोड़े दिन पहले हम लोग पेड़ वेड़ लगाए थे ना मतलब बहुत सारे पेड़ वेड़ लगे थे तो उनको भी एकदम अच्छे से भर पेट पानी मिल गया तो वो भी उग जाएंगे अच्छे से ये देखो। और गाइस जो पता है ना ना छोटे गार्डन में जो पेड़ लगाए ना छोटे छोटे उनको भी एकदम अच्छे से पानी मिल जाएगा तो उन लोग भी एकदम तेजी तेजी से ग्रो कर जाएंगे सब हरा भरा हो जाएगा भाई है नहीं हाँ। और हम लोग अभी बड़े गार्डन क्यों नहीं जा रहे बताऊं क्योंकि वहां पे हो रहा है अंधेरा एकदम तो इसीलिए हम अपनी स्ट्रीट में ही मेन रोड में टहल रहे हैं मतलब पास पास में तो चलो हम टहलते हैं और आपसे बाद में मिलते हैं। टेडी का पैडी खत्म हो गया था तो अभी अभी आया है टेडी का पैडी और उसको दे रहा हूँ दूध और पैडी और ये बिस्किट चिकन फ्लेवर है ये वाला बिस्किट दे रहा हूँ उसको 1 सेकंड मैं खोलता हूँ एक हाथ से खुल जा भाई कैसे करूँ ऐसे ओ देखो गाइस मैं एक हाथ से करता हूँ आपको इतना स्ट्रगल लगता है सब्सक्राइब कर दिया करो अब इसके अंदर ये है इसको ऐसे करके करते हैं ऐसे खुल गया इसका बिस्किट और इसमें डाल देते हैं 2-3 बिस्किट इसको ज्यादा नहीं देंगे अब बिस्किट ट्रीट टाइप का है क्योंकि ये फूड में यूज नहीं होता इसका पहला वाला बिस्किट लाए थे पेडिग्री वाला वो फूड टाइप का दे सकते थे बस 3 बिस्किट देंगे हम इसको और वैसे भी दिन में 3-3 बिस्किट काफी है। चलो मैं इसको छत में देके आता हूँ डैडी को मैंने अभी रूबी क्यूब लाया और अभी तोड़ दिया मैं बोल रहा था इसको दिन भर नहीं खेल करके मतलब फिर भी खेल रहा था तोड़ दिया इसको यहाँ पे रख देना चाहिए सजा के क्यों तोड़ा गधा तोड़ देता है रूबी क्यूब को। व्लॉग एंड करते हैं एक अच्छे से पीलू के साथ वो आपको व्लॉग एंड करना सिखाएगा कैसे करना है व्लॉग एंड यहाँ पे है वो टूटू कर रहा था आ जा इधर इधर आ चल अंदर चल चल अंदर ठीक है चलो व्लॉग एंड करते हैं तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय अरे हो यानी